खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पड़ोसी राज्य बिहार में चमकी बुखार के कहर के कारण लगभग 100 बच्चे मौत की आगोश में समा गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी इस गंभीर बीमारी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस बीमारी को देखते हुए प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों के डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि आगामी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहें। वहीं लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री द्वारा पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में इस बीमारी की मूल समस्या को जानने के लिए और उसके त्वरित उपचार के लिए तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी प्रदेश में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। अपने दो दिनी दौरे पर खंडवा पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में उनकी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों के लिए संवेदना भी प्रकट की। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की किसी भी बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने हेल्थ कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले को निर्देश दिए हैं कि इस बीमारी का परीक्षण करें, उसकी समीक्षा करें और इस बीमारी की कैसे रोकथाम की जा सकती है इस पर पूरा ध्यान दे। हालांकि उन्होंने कहा कि कलकत्ता में डॉक्टरों के साथ हुई घटना को लेकर कई डॉक्टर हड़ताल पर थे, पर अब सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बीमारी की रोकथाम के लिए तैयार रहें। जो उस समय हमने एक बचत पत्र तैयार किया था, 6 माह के अंदर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ज्योतिराज सिंधिया जी और धनंजय सिंह जी, अजय सिंह जी जो अच्छे रहे 90 दिन 6 माह में से 90 दिन आचार संहिता में चले गए। कम करो कितने बचे 5 दिन, उन सबको जो सेफ सबको पूरा करने के लिए सरकार। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चाबरे की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।